गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का आप लोगों को मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जनरल डिस्कशन किया। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साइड में होते हैं, कौन कौन से ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देन हमने सबसे पहले बोरॉन की स्ट्रक्चर, कार्बन और उसके क्रिस्टलीय रूप की स्ट्रक्चर, देन फास्फोरस और उसके अपर रूपों की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। सामान अष्टक नियम के आधार पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा संयुक्त होकर O2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं। आप देखें यहाँ पर इस प्रकार से ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार से ये बॉन्डिंग करेंगे। किंतु यह संरचना ऑक्सीजन के निम्न गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। कौन कौन से गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती है? एक तो ऑक्सीजन की प्रकृति पैरामैग्नेटिक होती है, दूसरा द्रव व ठोस अवस्था में यह नीले रंग की होती है, तीसरा ऑक्सीजन के दो अनुचुंबकीय O2 अणु परस्पर संयुक्त होकर डाइमैग्नेटिक O4 अणु बनाते हैं। यदि O2 के लिए आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख डायग्राम खींचा जाए तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की निम्न प्रकार से व्यवस्था होती है। आप देखें O2 के लिए आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख में ये ऊर्जा का क्रम है और यहाँ ये परमाण्विक और इसी प्रकार से दो परमाण्विक कक्षक, फिर ये आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। और अगर इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो O2 अणु के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके सारे गुणों की व्याख्या कर लेते हैं। O2 की आणविक संरचना को इस प्रकार से भी कुछ राइटर्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिनमें दोनों ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन बंद व 2 इलेक्ट्रॉन वाला सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर की देखें, गंधक कई प्रकार के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपर रूपों में पाया जाता है। इनमें से कमरे के टेम्परेचर पर गंधक का सबसे स्थायी अपर रूप है विषम लंबाच गंधक, और एक किरणों के जो स्टडी से ये ज्ञात हुआ है कि इनमें गंधक के 8 परमाणु निम्न प्रकार की चक्रीय संरचना में होते हैं, जिसे गर्म करने पर इस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए ये आपका तयुग चक्रीय S8 परमाणु विषम लंबाच, इसको 387.5 केल्विन पर गर्म किया और ये S5 विव्रत श्रृंखला अणु हल्का पीला गतिमान द्रव है 453 केल्विन पर, और ये आपका विशाल विव्रत श्रृंखला अणु अत्यंत गाढ़ा व भारी द्रव बना है 718 केल्विन पर, और बाद में जो भारी लाल वाष्प रंग की वाष्प है वो S8 से इस प्रकार से S4 में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको गर्म किया तो H2 में, और लास्ट में ये मुक्त सल्फर परमाणु के रूप में बना है। तो अब परमाणवीय और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक की। तो तत्वों की जो परमाणविक त्रिज्याओं को कोवेलेंट रेडियाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कक्षक के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। परमाणविक त्रिज्या एक प्रकार से सहसंयोजक त्रिज्या ही होती है। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या दो बातों पर डिपेंड करती है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य कोषों की संख्या। किसी तत्व में मुख्य कोषों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका परमाणविक आकार उतना ही अधिक होगा, अर्थात हम कहें उसके सहसंयोजक त्रिज्या का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा, उसी मुख्य क्वांटम संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी एक मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से
परमाणु की त्रिज्या का मान कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसी मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। इससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या घट जाती है। आवर्त सारणी में आप देखें तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाईं ओर जाएं, अर्थात हम कहें कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या की ओर जाएं, तो उनमें नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, जबकि बाह्यतम कोष की संख्या वही रहेगी। इनका आकार छोटा होता जाएगा। जबकि एक वर्ग में देखें, ये तो हमने बात की आवर्त की, अब अगर हम वर्ग में देखें तो एक वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात हम कहें बढ़ती हुई परमाणु संख्या की ओर जाएं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ ही रही है, तो मुख्य कोष की संख्या भी बढ़ती जाएगी और उनका परमाणुक आकार भी बढ़ता जाएगा। आप देखें इस चीज़ को इस टेबल के माध्यम से, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर इनकी देखिए ये त्रिज्या का मान इस प्रकार से बढ़ रहा है, और ये आवर्त में देखें तो इस प्रकार से कम होता जा रहा है। अपने स्थायी विन्यास और रासायनिक अक्रियता के कारण उत्कृष्ट गैसें मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में रहती हैं। इनकी परमाणुक त्रिज्याएं वांडरवाल्स त्रिज्याएं होती हैं। उनकी तुलना हम अन्य तत्वों की वांडरवाल त्रिज्याओं से ही करते हैं। अब नेक्स्ट टेबल में देखेंगे उत्कृष्ट गैसों और अन्य तत्वों की वांडरवाल त्रिज्याएं, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जबकि बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती हैं। ये देखें उत्कृष्ट गैस एवं अन्य तत्वों के वांडरवाल त्रिज्याएं देखेंगे, तो अभी जैसा मैंने बताया था कि बाएं से दाएं ओर जाने पर घटें और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ती हैं। अब इस टेबल का अगर हमने अवलोकन करने के बाद ध्यान से देखें तो छठे आवर्त में परमाणुक त्रिज्याओं के मान पांचवे आवर्त की तुलना में कुछ ही अधिक हैं, जबकि उनके ऊपर वाले पांचवे और चौथे आवर्त के तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं के मान में काफ़ी अंतर है। इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के सहसंयोजक त्रिज्याओं में जो अंतर है उसकी तुलना तृतीय और चतुर्थ आवर्त की सहसंयोजक त्रिज्याओं में काफ़ी कम अंतर है। वर्ग 13 के तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्याओं पर गौर करें तो इस प्रकार से देखिए वर्ग 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो यहाँ इनकी ये सहसंयोजक त्रिज्याएं हैं। इस अंतर का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बोरोन से थैलियम तक आप जाएंगे तो कोष तो एक एक ही बढ़ रहा है, लेकिन उनकी परमाणुक संख्या समान नहीं बढ़ रही है। उसके बढ़ने का जो क्रम है वो 8, 18, 18, 32 है, अर्थात बोरोन और एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या में 8 का ही अंतर है, जबकि एल्यूमिनियम तथा गैलियम की परमाणु संख्या में 18 का अंतर है। परमाणु संख्या में अधिक अंतर है, इसका अर्थ यह है कि नाभिकीय आवेश में अधिक अंतर है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिससे उनका आकार कम हो जाएगा, और एक कोष के बढ़ने से आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि एल्यूमिनियम व गैलियम की जो परमाणुक त्रिज्या का मान है वो लगभग समान है। इसी प्रकार आप इंडियम से थैलियम तक जाने पर कोष तो एक ही बढ़ा है, लेकिन नाभिकीय आवेश में 32 की वृद्धि हो गई है, जिससे अणु बहुत संकुचित हो जाता है, और आकार में वृद्धि मात्र कितनी हुई 0.04 की ही रह जाती है। इसी प्रकार तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं भी एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से घटती जाती हैं, जबकि एक वर्ग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से बढ़ती जाती हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। एक धनायन इलेक्ट्रॉन को खोकर बनता है, जबकि एक ऋणायन बनने में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धनायनों का आकार उनके परमाणुक आकार की तुलना में सदैव छोटा होता है, जबकि ऋणायनों का आकार उनके परमाणुक आकार से सदैव बड़ा होता है। पी ब्लॉक के दो आवर्त और दो समूह के आयनिक त्रिज्याओं के मान नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। ये देखिए पी ब्लॉक के द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं के मान इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं।
इसी प्रकार से पी ब्लॉक के 13 व 17 वर्ग के तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं के मान है ये। तुलना चाहे हम धनायन की त्रिज्याओं में की जाए या ऋणायन की त्रिज्याओं में, आयनिक त्रिज्याओं के मान एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से घटते जाते हैं और एक वर्ग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं हम आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी गैसीय परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अर्थात हम कहें उसे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या प्रथम आयनन विभव। इसी प्रकार से जो एक संयोजी धनायन बना उसमें से एक, अर्थात हम कहें परमाणु का द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या द्वितीय आयनन विभव कहेंगे, और द्वितीय आयनन विभव में से अर्थात कहें परमाणु के तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान तृतीय आयनन विभव कहलाएगा। पी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव आप देखें तो टेबल के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा कि पी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव किस प्रकार से आते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया है, सबसे पहले तो हमने ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, और उसके बाद उसका जो आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख का डायग्राम था, O2 के लिए आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख का डायग्राम किस प्रकार का होता है उसके बारे में, फिर हमने सल्फर की स्ट्रक्चर में जो स्थाई सबसे अधिक स्थाई रूप है उसका विषम लंबाक्ष उसके बारे में अध्ययन किया, और देन हमने परमाणु को आयनिक त्रिज्याएं, इसी क्रम में हमें पी ब्लॉक की द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं का वैल्यू देखा कि किस प्रकार से उनकी वैल्यूज होती हैं, फिर उत्कृष्ट गैसीय अन तत्वों की वैन डेर वाल त्रिज्याएं देखी, और साथ ही हमने पी ब्लॉक के द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के आयनिक त्रिज्याएं भी देखी, और 13 व 17 ग्रुप के तत्वों के आयनिक त्रिज्याएं देखी, और लास्ट में हमने जिस पॉइंट को डिस्कस किया था वो हमारा पॉइंट था पी ब्लॉक तत्वों की आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, और देन जो हम सारणी के माध्यम से किस प्रकार से पी ब्लॉक तत्वों की त्रिज्याएं आती हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।